अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड किचन 92। मैं हूँ मिरुकैया और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत डिलीशियस रेसिपी। ये है मलाई चाप। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यहाँ पर मैंने आधा किलो सोया चाप ली है, ये देखिए। और ये जो सोया चाप है उसकी मैं स्टिक निकाल दूँगी, सारी स्टिक निकाल देनी है इसकी, और उसके बाद हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। उसके बाद हम मैरिनेशन के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम दही डाली है, ये देखिए। उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे 200 ग्राम ये दूध की मलाई, बिल्कुल फ्रेश मलाई है ये। और अगर आप लोगों के पास मलाई नहीं है तो आप इसमें काजू का पेस्ट भी डाल सकते हैं, और अमूल की जो फ्रेश क्रीम आती है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये मलाई चाप है तो इसमें अगर आप मलाई डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी सा फ्लेवर आएगा, वरना काजू का पेस्ट भी बेटर है। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल दूँगी, ये 1.5 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला डाल दिया, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद मैं इसमें 3 नींबू का रस डाल दूंगी, ये 15 हरी मिर्चें ली है, और धनिया डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया था, थोड़ी सी धनिया डाल के, हरी धनिया, और ये मैंने सारा डाल दिया था तो इसमें मैंने आधा आधा करके डाला था इसलिए वो वीडियो में शूट नहीं हो पाया। तो 15 हरी मिर्च का जो मैंने पेस्ट बनाया था हरी मिर्च और धनिया का, वो मैंने सारा डाल दिया था इसके अंदर। तो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर सोया चाप डाल देंगे। ये देखिए इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून जितना काला नमक भी ऐड करेंगे, जिससे इसका टेस्ट और ज़बरदस्त हो जाएगा और बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। काला नमक डालेंगे जैसे आप और मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट कर लेंगे। फ्रिज में रख के कर सकते हैं, आप बाहर भी रख के कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं बटर को डाला है पैन में, और अब हम इसके अंदर कटी हुई प्याज और कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से काटना है। मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को काटा था और 1 शिमला मिर्च को लिया था, इसी तरीके से काट लेना है इसे। और ये देखिए अच्छी तरीके से भुन जाने के बाद जब इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ी क्रिस्पी हो जाए, जब तक इसे हमें भून लेना है। ये देखिए बहुत डिलीशियस रेसिपी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिए, उसमें मैं सोया चाप का लिंक दे दूँगी, वो भी बहुत डिलीशियस बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में सोया चाप बनी है, तो उसको भी एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। ये देखिए मैंने सारी प्याज और शिमला मिर्च निकाल ली है, मैंने पैन में और बटर डाल दिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि जो मैंने सोया चाप को मैरिनेट किया था ना 1.5 घंटे के लिए, वही मैं इसके अंदर डालूँगी। ग्रेवी नहीं डालूँगी, इसे सोया चाप उठा उठा के इसके अंदर डालूँगी, ग्रेवी नहीं डालूँगी, बाद में हम यूज़ करेंगे उसे। ये देखिए और बिल्कुल अच्छी तरीके से हम इसको रोस्ट कर लेंगे, तंदूर में होती है ना रोस्ट, उसी तरीके से बिल्कुल बिल्कुल तंदूरी चाप की तरह हमें इसे पका लेना है। ये देखिए और बहुत ही लजीज इसका फ्लेवर रहता है, बहुत ही लाजवाब। और इस इतनी ही बेहतरीन रेसिपी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी दूसरी सोया चाप की, तो आप लोग इसे ज़रूर ज़रूर बनाइए। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये पक चुकी है, बहुत ऊपर से क्रिस्पी भी हो गई है, बहुत अच्छी तरीके से भुन गई है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं, और जो बाकी बची हुई हमारी सोया चाप थी उसे भी हम इसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए और सोया चाप को आप लोग ज़रूर मैरिनेट करिए, इससे अंदर तक बिल्कुल इसका जो है मसाला वो चला जाएगा तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये
ये देखिए, अब हमने पैन में जो है बटर डाल दिया है, बहुत बटरी सा इसका मलाई चाप है, बहुत बटरी और क्रीमी सा इसका वो होता है, टेक्सचर होता है। तो जो मैंने फ्राई कर ली थी ना प्याज और शिमला मिर्च, वो डाल दी है उसी बटर में, और जो रोस्ट कर लिया था ये सोया चाप, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। बस हल्का सा मिक्स करूँगी मैं इसको। अब मैं इसमें जिसमें सोया चाप हमने मैरिनेट कर लिया था, वो सारी जो है वो मलाई और दही का जो हमारा पेस्ट था जिसमें हमने मैरिनेट किया था, वो मैं डाल दूँगी। तो सारा उसमें डाल देना है। ये देखिए अभी मैं फुल फ्लेम पे बना रही हूँ, तो इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद ये देखिए हल्का सा इसे पकाएंगे, मीन्स 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये बनने लगी है, बिल्कुल रेडी होने लगी है। तो हम इसके अंदर डाल देंगे अमूल की फ्रेश क्रीम। ये देखिए ये डाल दिया मैंने। अब इसके अंदर मैं फिर से इसको अच्छी तरीके से मिला लूँगी और 2 मिनट के लिए इसे डालने के बाद भी पका लूँगी। ये देखिए अब मलाई चाप है, तो इसमें ढेर सारी क्रीम, मलाई, काजू का पेस्ट और दही, ये सारी चीज़ें डलती है और बटर में बनता है, तो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बटरी फ्लेवर होता है इसका। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आप लोगों को पता नहीं चलेगा कितनी डिलीशियस रेसिपी है ये। ये देखिए उसके बाद अब हम क्या करेंगे, बस अब हमें इसे डिश आउट करना है। तो हम इसमें और क्रीम डालने के बाद, इसको मिक्स करने के बाद कर देंगे हम इसे डिश आउट। डिश आउट करने से पहले आप इसके अंदर क्रीम ज़रूर डालिए और इसको मिक्स कीजिए और फिर सर्व कीजिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है इसके अंदर। ये देखिए हल्का सा मिक्स कर लिया मैंने और अब मैं इसे कर लेती हूँ डिश आउट। ये देखिए मलाई चाप बनके रेडी है। मैंने इसे ग्रीन चटनी, प्याज और रुमाली रोटी के साथ सर्व किया है। अगर आप इसे रुमाली रोटी के साथ खाएंगे तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इसका जवाब ही नहीं रहता कुछ और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर दीजिए। अगली रेसिपी मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।